प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के दौरे पर। प्रधानमंत्री मेहसाणा में कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। आंध्र प्रदेश के विजय नगरम में दो यात्री ट्रेनों की हुई भिड़ंत, 9 लोगों की हुई मौत, दर्जनों घायल। रेल दुर्घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताया दुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल हादसे में शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। पीएम राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की मदद। रेलवे की ओर से मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। ट्रेन हादसे पर रेलवे ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आज जारी हो गया अधिसूचना। नामांकन 6 नवंबर तक भरे जा सकेंगे। चुनाव कार्यालय ने नामांकन भरने की सभी तैयारी पूरी कर ली है। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर में भारत सरकार के पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय के पीएसयू गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सीएसआर फंड से मिले 2 मोबाइल मेडिकल वैन जनता को समर्पित किया। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के दौरान बुंदेलखंड में लाखों करोड़ों के आए थे निवेश प्रस्ताव। ग्राउंड ब्रेकिंग सेमिनी के दौरान 91,790 करोड़ के निवेश को धरातल पर। और सेफ सिटी परियोजना में महिलाओं और बुजुर्गों का रखा जा रहा है विशेष ध्यान। 17 नगर निगम और गौतम बुद्ध नगर में बनाए जा रहे हैं डे केयर सेंटर। परिवहन निगम की बसों में सीसीटीवी के साथ पैनिक बटन लगाने की तैयारी। महिला सुरक्षा के लिए 21,000 से अधिक सिटी बसों और ओला उबर कैब में सीसीटीवी कैमरों के संग पैनिक बटन लगाने के लिए किया जा रहा है काम। इन्हें UP 1:1 से किया गया इंटीग्रेट। प्रदेश सरकार ने किसानों से क्रय केंद्रों पर ऑनलाइन पंजीकरण कराने को कहा। 25 अक्टूबर से शुरू हुई दलहन तिलहन खरीद चलेगी 24 जनवरी तक। 3 दिनों में किसानों के खातों में पैसे भेजने के निर्देश। प्रयागराज का महाकुंभ 2025 भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए 67,000 से ज्यादा स्ट्रीट लाइटों से जगमगाएगा मेला क्षेत्र। 400 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करेगी सरकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आलमबाग गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद संगत में लिया हिस्सा। कहा, नए भारत के निर्माण में सिख समाज की बड़ी भूमिका। सनातन की रक्षा से आगे आए सिख समाज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर और प्रयागराज के दौरे पर। देंगे कई बड़ी सौगातें। योजनाओं के लाभार्थियों को वितरित करेंगे प्रमाण पत्र। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से गरीब परिवारों को जोड़ने के लिए ग्राम संगठन दलों की संख्या बढ़ाने का फैसला। बनेंगे 300 नए ग्राम संगठन दल। प्रदेश में ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रत्येक विकास खंड की 2 ग्राम पंचायतों में हर शुक्रवार को किया जा रहा है ग्राम चौपाल का आयोजन। अब तक 55,639 ग्राम पंचायतों में लगाए गए ग्राम चौपाल। और प्रदेश में पहली बार राजकीय आवासीय संस्कृत विद्यालय किए जाएंगे संचालित। धार्मिक महत्व रखने वाले जिलों का किया गया चयन। प्रयागराज, नैमिषारण्य, चित्रकूट, अयोध्या, मथुरा को किया गया शामिल। फिरोजाबाद में ग्वालियर के कैंसर चिकित्सालय के प्रसिद्ध डॉक्टरों की टीम द्वारा 90 मरीजों का निःशुल्क परीक्षण किया गया, जिनमें 5 कैंसर पॉजिटिव पाए जाने वालों के ग्वालियर इलाज के लिए बुलाया गया। और इंग्लैंड को 100 रनों से हराकर भारत पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंचा। भारतीय टीम पर सभी 6 मुकाबले जीतकर 12 अंकों के साथ नंबर 1 पर है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ 87 रनों की पारी से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रनों का आंकड़ा किया पार। रोहित इस विश्व कप में भारत की ओर से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने। भारत ने वनडे वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को 100 रन से हराकर हासिल की लगातार 6th जीत। टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को 20 साल बाद हराया है।